आपको लगता है कि जिस रूप में आपका वंशज हैं, श्री राम से जुड़ा हुआ वंशज हैं, जिन्होंने एक भाई के लिए इतना बड़ा त्याग करके 14 वर्ष का वनवास भुगता और महाराणा प्रताप का आपका वंशज हैं, आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से के बाद में आपके और मेवाड़ पर इतना बड़ा कोई वो हुआ है? मैं जो हुआ है वो अच्छा तो हुआ नहीं है, और मेवाड़ तो साहस के लिए जाना जाता है और सभ्यता के लिए भी जाना जाता है, तो इसलिए ये तो जो हमारे ये तो बिल्कुल सरासर गलत ही हुआ और लोगों को गलत इम्प्रेशन ही जाएगा। तो अब कल आपकी क्या रणनीति होगी? अब धो और दर्शन के लिए मैं रणनीति शब्द तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कल तो एकलिंग जी का प्रोग्राम है पहले। अच्छा। देश और दुनिया में मेवाड़ ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है कि जहाँ पर इस धरती को वीरता के नाम से, भक्ति के नाम से और त्याग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की अभूतपूर्व कीर्ति यही है कि इसकी रज को सिर पर धारण करके और इसे विविध रूपों में धनभागी मानते हैं। यहाँ पर चाहे पर्यटक हों या अन्य जन, सभी आते हैं और अपनी खूब आनंद ठाट के साथ में मेवाड़ की माटी को अपने सिरोधारी करते हैं। जिस रूप में यहाँ पर विवाद हुआ है, दर्शन को लेकर हमारे साथ में विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, क्या दर्शन की परंपरा है मेवाड़ राजघराने की, और इस परंपरा के नहीं निभने से किस तरह से एक सभी प्रभावित होंगे? आपका परिवार तो प्रभावित हो गई, लेकिन आपके साथ में जो भी जुड़े हुए परिवार हैं किस तरह की परंपरा से प्रभावित होंगे? जी, कल का प्रोग्राम तो यही था कि हम जाके धूनी पे धोख लगा के वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने से रोका गया। और आप इसको भले आप कानूनी तरह से या आप सामाजिक या रीति के हिसाब से किसी भी नज़रिए से आप देखें, ये गलत था, और लोगों को महसूस हो गया कि गलत था, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे हम साथ में खड़े हुए और सबके भावना को ठेस पहुँची है, और कोई कारण नहीं है मुझे वहाँ जाके रोकने के लिए, कोई ये मेरा राइट है और मेरे माई राइट वॉज नॉट प्रोटेक्टेड, इसलिए सबको के दुख है और ये गलत ही हुआ है। क्या परंपरा होती है, क्या रस्म होती है? धूनी वहाँ पे जहाँ पे जब उदयपुर की स्थापना हुई थी तो वहाँ से आशीर्वाद मिला था पूर्वजों को कि आप उदयपुर यहीं बसाएं, इस स्थान का वो महत्व है, और आप जैसे पैलेस में हैं तो आपको जब आपके घर के अंदर कोई ऐसा स्थान हो तो आपको जब मन चाहे जी चाहे आप जाके धोख दे सकते हैं, और खास दिन कोई खास त्यौहार हो, कोई खास दिन हो, तो तब तो जाना ही है। तो आखिर में विवाद की वजह क्या थी कि उनको क्या ऐसा हो रहा था आपके वजह से कि ऐसा? अब उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन बात तो यही थी कि वहाँ जाके धोख दे के वापस आना है, तो इतनी छोटी सी बात में इतना मना करना और फिर इतना बड़ा बड़ा बन गया कि लोग भी के ऊपर पथराव भी हुआ, तो इसका तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। अब आपकी तरफ से क्या चाहते हैं, आपकी किस तरह से प्रशासन और ये सहयोग के हिसाब से आपको? कल ही तो हमारी तो यही मांग थी कल की, हमारे राइट है, हमें जाके धोख देने आने दो। कभी कुछ कह रहे थे कि कभी 10 गाड़ी जाओ, कभी 7 लोग जाओ, कभी 5 लोग जाओ, तो मैंने तो हाँ भर दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि धोख देना है, और दूसरी बात है कि जो रास्ता प्रशासन ने निकाला कि रिसीवर नियुक्त करेंगे और पोजेशन लेंगे, तो जब तक जहाँ तक मेरे नॉलेज में अभी तक उन्होंने पोजेशन लिया नहीं। तो अब कल आपकी क्या रणनीति होगी? अब धूप और दर्शन के लिए मैं रणनीति शब्द तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कल तो एकलिंग जी का प्रोग्राम है पहले। अच्छा। और फिर जैसे कलेक्टर का देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, वो जो रिसीवर अपॉइंट करने का उन्हें नोटिस तो चिपका दिया, लेकिन मेरे ख्याल से और कोई कदम नहीं उठाए हैं, तो जितना जल्दी वो धूनी के दर्शन हुए उतना ही बेहतर। आपको लगता है कि जिस रूप में आपका वंशज हैं, श्री राम से जुड़ा हुआ वंशज हैं, जिन्होंने एक भाई के लिए इतना बड़ा त्याग करके 14 वर्ष का वनवास भुगता और महाराणा प्रताप का आपका वंशज हैं, आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम से के बाद में आपके और मेवाड़ पर इतना बड़ा कोई वो हुआ है? मैं जो हुआ है वो अच्छा तो हुआ नहीं है, और मेवाड़ तो साहस के लिए जाना जाता है और सभ्यता के लिए भी जाना जाता है, तो इसलिए ये तो जो हमारे ये तो बिल्कुल सरासर गलत ही हुआ, लोगों को गलत इम्प्रेशन ही जाएगा। वार्ताओं का दौर चल रहा था, वार्ताओं के दौर किससे हो रहा था कि आपको रोका गया? कल तो बात तो सिर्फ कलेक्टर के थ्रू, प्रशासन के थ्रू आ रही थी कि इतने गाड़ियां जाएंगे या इतने लोग जाएंगे, और जो प्रशासन ने कहा है वो हमने माना है, लेकिन फिर भी बात नहीं बैठी। आप विधायक भी हैं और सांसद भी महिमा कुमारी जी हैं, क्या
उस रूप में राजनीति दबाव था या इस रूप में राजनीति में होते हुए भी प्रशासन आपको दर्शन नहीं कर पाए? बात यह है कि कल भी हमने तो सिर्फ जो मेरे राइट्स है एज अ फैमिली मेंबर उस चीज़ की बात करी थी, और सिर्फ है कि हमें जो सही है वो काम करो, इतना जितना जोर लगा सकते थे कि आप जो सही काम है वही करो, उतना लगाया था। दूसरे पक्ष का यह आरोप है कि जहां आप दर्शन करने जा रहे हैं अपने इतने समर्थकों के साथ में, तो वहां पर कोई ऐसी अनहोनी घटना हो सकती थी जो वहां पर कोई नुकसान हो जाए उनका? एक तो दूसरा पक्ष है कौन, कुछ अलग अलग लोग बोल रहे हैं तो दूसरा पक्ष है कौन, और बाकी इतने सारे समझिए तो धोख देने जा के वापस आ रहे थे, कोई भीड़ लेके तो कोई जाएगा नहीं। और अंत में जैसे वो प्रपोजल आए थे कि आप 5 लोग लेके जाओ, तो उसमें भी मैंने हाँ भर दी थी कि सिर्फ 5 ही जाएंगे, तो उसमें क्या नुकसान की बात है। आप क्या चाहते हैं ये इस जो आपका वंश है उसमें किस तरह से सामंजस्य आगे भविष्य में हो सकता है, इसके लिए आपका क्या मतलब कि पहल रह सकती है? सामंजस्य मतलब फैमिली अंडरस्टैंडिंग। जी well, बात यही है कि एक जो है तो विभाजनवाद के सब लोग वो तो संपत्ति के लिए है जी, वो रिश्तेदारी के लिए नहीं है। और जो घर का बड़ा है जो छोटा है वो तो सबको पता ही है, तो अगर आप ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं मानेंगे तो फिर साथ बैठ के कैसे क्या होगा। तो उसके लिए क्या अपील आप करेंगे मेवाड़ वासियों को कि सांप्रदायिक मतलब कि सौहार्द, एक आपसी सौहार्द बना रहे मेवाड़ में और शांति प्रिय वातावरण बना रहे? वो तो मैंने कल ही, अगर आप इस घटना के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो मैंने तो कल ही अभी भी कह रहा हूँ कि सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साथ दिया है मेरा, और गलत चीज़ के लिए गलत चीज़ हो रही है इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई है उसके अगेंस्ट, और शांतिपूर्वक आवाज़ उठाई है, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासन से क्या सहयोग आगे सहयोग चाहते हैं आप? चाहते तो है कि दर्शन करना है, वो तो नंबर वन है, पहली बात ये है, और दूसरी बात है जो उन्होंने रिसीवरशिप किया है वो दर्शन नहीं करवाया तो रिसीवरशिप करके फिर दर्शन करवाए, जितना जल्दी दर्शन हो वो ठीक है। और मेरा तो प्रशासन से यही है कि जो कानून है उसके हिसाब से आप कानून लगाओ, ढील नहीं बताओ किसी भी चीज़ में। जिस रूप में मेवाड़ का वैभव है और मेवाड़ का इतिहास रहा है वो कायम रहे, आम जनता की यही भावना है और दोनों परिवार की भी यही भावना रही होगी, लेकिन जिस रूप में जो घटनाक्रम हुआ है उससे केवल ये परिवार ही आहत नहीं है, पूरी मेवाड़ ही नहीं देश और दुनिया के वो लोग भी आहत हैं जो मेवाड़ के प्रति और इस वंश के प्रति श्रद्धा रखते हैं, महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सूर्य कुल के प्रति श्रद्धा रखते हैं। आइए हम भी आगे ऐसी कामना करें, ऐसी प्रार्थना करें प्रभु से कि ये जो सामंजस्य आगे उस रूप में बने कि एक स्वर्णिम इतिहास फिर से कायम हो सके।